हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल BSC प्लेटफॉर्म पे आप लोग का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लासेस में हम जानेंगे RNA पॉलीमरेज। तो सबसे पहले हम RNA पॉलीमरेज की बात में हम डिफिनेशन को देखते हैं। तो RNA पॉलीमरेज इज अ कैटालिक एंजाइम बाय विच ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आर कंप्लीटेड। दैट मीन्स कि जब DNA टू mRNA का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जो RNA पॉलीमरेज है वह कैटालिक एंजाइम की तरफ बिहेव करता है। तो कैटालिक एंजाइम की तरफ बिहेव करने से ही जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वह इनिशिएट होता है। इनिशिएट होने से ही DNA टू mRNA का फॉर्मेशन होता है। तो वहीं यहाँ पर बात कही गई है कि RNA पॉलीमरेज इज द कैटालिक एंजाइम बाय विच ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस आर कंप्लीटेड। तो अब हम देखेंगे कि RNA पॉलीमरेज को प्रोकैरियोटिक सेल में एंड यूकैरियोटिक सेल में। तो सबसे पहले हम RNA पॉलीमरेज को प्रोकैरियोटिक सेल में देखते हैं कि ये कितने सब यूनिट से मिलकर बना होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसके फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम इसके सब यूनिट्स पे आते हैं। इट इज अ मेड अप ऑफ 5 डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स। ये जो होते हैं 5 डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बने होते हैं और वे पेप्टाइड अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा है, ये 5 टाइप्स के हैं, अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। और ये 5 डिफरेंट टाइप्स के जो सब यूनिट्स हैं इन्हें हम होलो एंजाइम के नाम से जानते हैं। और ये जो 5 टाइप्स के सब यूनिट्स हैं ये अनएक्टिव मतलब एक्टिव के फॉर्म में नहीं रहते हैं। जब इनसे सिग्मा फैक्टर अटैच्ड होगा तब ये कोर एंजाइम में कन्वर्टेबल हो जाएंगे और फिर ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएंगे। mRNA का जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन से DNA टू mRNA का बनने का जो प्रोसेस है उसमें अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा वहाँ पर अटैच्ड रहते हैं। पर जैसे ही वहाँ पर सिग्मा फैक्टर आएगा तो उन्हें कोर एंजाइम में कन्वर्ट कर देगा और ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस है वे स्टार्ट हो जाएंगे। जब तक सिग्मा फैक्टर वहाँ पर अटैच्ड नहीं होगा होलो एंजाइम से तब तक ये जो 5 डिफरेंट टाइप्स के सब यूनिट्स हैं पॉलीपेप्टाइड के वे अनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे। जैसे ही सिग्मा फैक्टर अटैच्ड होगा ये कन्वर्टेबल हो जाएंगे कोर एंजाइम के रूप में और ये कोर एंजाइम जो है वे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा जिससे कि DNA टू mRNA का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो अब हम सबसे पहले आएंगे उनके फंक्शन पे कि अल्फा, अल्फा डैश जो होता है उसका फंक्शन है प्रमोटर रीजन पे, बीटा, बीटा डैश कैटालिक सेंटर की तरफ बिहेव करेंगे, ओमेगा का जो प्रोसेस है वे असेंबल ऑफ RNA पॉलीमरेज, और सिग्मा का जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है उनका रोल है कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन एंड प्रमोटर रिकॉग्नाइजेशन। अभी हमने बताया कि जो ये 5 डिफरेंट टाइप्स के पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स हैं ये अनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो वहीं यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इनिशिएट, जैसे ही ये होलो एंजाइम्स अटैच्ड होगा सिग्मा फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा मतलब कि इनिशिएट कर देगा, एंड प्रमोटर रीजन को रिकॉग्नाइज करेगा मतलब कि कहाँ से mRNA के प्रोसेस को स्टार्टिंग है उसे ये रिकॉग्नाइज भी करेगा और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। और जो ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं उसमें होलो एंजाइम मॉलिकुलर वेट 465 किलो डाल्टन होता है। जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उसमें जो होलो एंजाइम, होलो एंजाइम मतलब अभी हमने बताया कि जो अल्फा, अल्फा डैश, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा जो अनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उनका जो ई कोलाई बैक्टीरिया में मॉलिकुलर वेट है वह 465 किलो डाल्टन है। तो ये हमने बात की कि प्रोकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज की। अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक RNA पॉलीमरेज की। तो यूकैरियोटिक पॉलीमरेज में सबसे पहले ये जो पॉलीमरेज होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, बट जो यू प्रोकैरियोटिक टाइप्स के RNA पॉलीमरेज थे वे ओनली 1 प्रकार के पॉलीमरेज थे। लेकिन जैसे ही हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स के RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। तो जो पहला है RNA पॉलीमरेज फर्स्ट है, दूसरा RNA पॉलीमरेज सेकेंड, एंड लास्ट थर्ड RNA पॉलीमरेज थर्ड। और जो इच RNA पॉलीमरेज इज अ मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन, 8 to 12 मल्टी सब यूनिट्स।
ये जो डिफरेंट डिफरेंट थ्री टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज हैं वे मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, 8 to 12 मल्टी सब यूनिट्स। ये जो इनका जो फॉर्मेशन होता है वे 8 to 12 मल्टी सब यूनिट्स प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। अब हम इनके फंक्शन को देखेंगे। तो जो पहला आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, इनके फंक्शन में फॉर्मेशन आर आरएनए एज वेल एज 5.85 आरएनए, 80S आरएनए, 28S आरएनए। अब दूसरे पे आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ये फॉर्मेशन करता है एमआरएनए का। और तीसरा आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है वे आरएनए टीआरएनए का फॉर्मेशन करता है। तो हमने इनके फंक्शन को देखा। इनके फंक्शन में जो दूसरा आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वे बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कहलाता है, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस द्वारा ही डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड है वही तो फॉर्मेशन कर रहा है एमआरएनए का, इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करता है। तो ये रहा तीनों टाइप्स के यूकैरियोटिक में आरएनए पॉलीमरेज और उनके फंक्शंस थे। अब हम बात करेंगे सेंट्रल डोगमा की, कि सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। तो सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था फ्रांसिस क्रिक ने। इसे हम सेंट्रल डोगमा या फिर सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि यह सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या होती है, इसमें क्या प्रोसेस आते हैं। तो ये जो डीएनए टू डीएनए का बनना रिप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन, यही जो प्रोसेस है इन्हीं को हम सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अकॉर्डिंग देखते हैं। मीन्स की डीएनए टू डीएनए फॉर्मेशन रिप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन फॉर्मेशन ट्रांसलेशन, यही प्रोसेस को हम सेंट्रल डोगमा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी बोलते हैं, और सबसे पहले डिस्क्राइब किया था फ्रांसिस क्रिक ने। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए।